प्रिय बच्चों सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में जो विगत कक्षा में मैंने प्रकरण उठाया था वो था रस। रस के प्रकार आप लोगों को बताया गया। विगत कक्षा में हमने पढ़ा श्रृंगार, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार वो श्रृंगार रस है जिसमें नायक और नायिका आपस में मिलते हों। उसका उदाहरण है लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। प्रिय बालकों, ये उस समय की बात है जब रामचंद्र जी महाराज जनक की सभा में आयोजित धनुष यज्ञ को देखने गए थे और प्रसून चयन के लिए वाटिका में गए। वहाँ पर उनकी भेंट सीता जी से होती है। दोनों लोग आपस में एक दूसरे को देख करके एक होना चाहते हैं, मिलते हैं। वहाँ सीता जी राजभवन से आती हैं और ये गुरु जी के साथ अपने प्रसून लाने वाटिका में गए थे, वहीं पर उन दोनों लोगों का मिलन हुआ था। इसलिए इस पंक्तियों में संयोग श्रृंगार है। प्रिय बच्चों देखते हैं श्रृंगार का वियोग, दूसरा भाग वियोग श्रृंगार। इसमें नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उनके मन में जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसमें वियोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब रावण ने सीता जी को उठा लिया, चुरा लिया, राम जी विह्वल हो गए, दुखी हो गए। सीता जी को खोजते खोजते वे पक्षियों मृगों और भ्रमरों आदि से सीता जी के बारे में पूछ रहे हैं कि मेरी उस मृग नैनी सीता को देखा है, उसके बिना मैं एकदम विह्वल हो गया हूँ। तो ये तो विगत प्रकरण रहा। आज का प्रकरण है वीर रस। क्या है वीर रस देखते हैं। प्रिय बच्चों वीर रस का स्थाई भाव उत्साह है। वीर रस का स्थाई भाव उत्साह है। किसी कठिन या दुष्कर कार्य को करने के लिए हमारे मन में निहित स्थायी भाव उत्साह के जागृत होने से वीर रस की उत्पत्ति होती है या वीर रस उत्पन्न होता है। कोई भी कार्य हो अगर करना है और उत्साह आ गया मन में, उत्साह आ गया, चाहे जितना दुष्कर कार्य हो, जो हमारे अंदर उत्साह जागृत हुआ तो हमारे अंदर वीरत्व के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। वही वीरत्व का भाव कहलाता है वीर रस। इसका एक उदाहरण है, देखिए। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, मैं गर्व तो करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। क्या कह रहा है, मैं सत्य कह रहा हूँ कि मुझे सुकुमार मत समझो और यमराज भी मेरे सामने रण में आ जाएं तो मैं हमेशा यमराज से भी लड़ने के लिए तैयार रहूंगा। है और की तो बात क्या, मैं गर्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन युद्ध स्थल में यदि यमराज भी आ जाएं तो मेरे अंदर ऐसी उमंग है, ऐसा उत्साह है कि मैं यमराज से भी युद्ध में पीछे नहीं हटूंगा। और मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं, मैं अपने सगे संबंधी मामा और अपने पिता भाई आदि से यदि युद्ध स्थल में वो मेरे सामने आ गए तो मैं कदापि उससे भागूंगा नहीं। प्रिय बालकों यही होता है वीर रस। क्योंकि कठिन कार्य हो, दुष्कर कार्य हो, समर का रण क्षेत्र हो, उसमें मैं डरूंगा नहीं, कदापि नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरे अंदर उत्साह है युद्ध करने का। ठीक, इसके आगे और एक उदाहरण से हम देखना चाहेंगे, देखते हैं। प्रिय बच्चों वीर रस का अगला उदाहरण है उस काल जिस जिस ओर से संग्राम करने को गया, भागते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया। जो भेद जाता भानु का कर
अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया जो भेद चक्रव्यूह को। प्रिय बालकों, आप लोग देखिए, ये उस समय की बात है जब पार्थ नंदन अर्थात अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु समरांगण में, समर क्षेत्र में गया अकेले, जो व्यूह रचना थी उसका भेदन करके अकेले ही घुस गया उसमें, किसमें, चक्रव्यूह में, उसको क्या करने के लिए, भेदने के लिए। तो उसके अंदर क्या था, उत्साह था। उस उत्साह के बदौलत, उस वीरता के कारण वह उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए चला गया। और विपक्ष में कौरव सेना लगी हुई थी, फिर भी वह बहादुर अपने अदम्य उत्साह से उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए, चक्रव्यूह भेदन के लिए प्रवेश कर गया। प्रिय बच्चों, इसका स्थायी भाव है उत्साह, उद्दीपन इसका है, उद्दीपन है अभेद्य चक्रव्यूह। वो जो अभेद्य चक्रव्यूह बनाया था कौरवों ने, उसको भेदने के लिए उसके मन में ऐसे भाव उत्पन्न हुए कि इसे मुझे तोड़ना है, ऐसा उत्साह जागृत हुआ। फिर क्या हुआ, उसका अनुभव क्या था कि चक्रव्यूह भेदना है, चक्रव्यूह तोड़ना है। आश्रय उसका कौन था, पार्थनंदन। पार्थनंदन कौन, अभिमन्यु, है नहीं। और आलंबन कौन था, कौरव पक्षीय लोग थे, कौरवों की सेना थी, कौरव पक्ष के लोग थे। प्रिय बच्चों, वीर रस की इसी श्रृंखला में वीर रस के चार भेद होते हैं। उन भेदों में प्रथम है युद्ध वीर, दूसरा है दानवीर, तीसरा है दयावीर और चौथा है धर्मवीर। युद्ध वीर कौन होता है, समरांगण में जो वीरता दिखाए वो युद्ध वीर होगा। समरांगण में जो वीरता दिखाए वो युद्ध वीर होगा, जैसे पार्थनंदन अभिमन्यु। पार्थनंदन अभिमन्यु ने समरांगण में क्या दिखाया, अपने अदम्य उत्साह के साथ शत्रुओं से लोहा लेने के लिए वो उस अभेद्य चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। इसलिए इसमें कौन सा होगा रस, वीर रस कौन सा होगा, युद्ध वीर, युद्ध वीर वीर रस। दूसरा आता है दानवीर, नाम सुने होंगे, दानवीर कर्ण वीर था। कौन, कर्ण, लेकिन क्या था, उसने दान में अपना कवच और कुंडल सब दे दिया, है नहीं, कवच और कुंडल सब कुछ दे दिया। अंततो गत्वा वो वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी वीरता इतनी प्रसिद्ध थी कि उसने अपने प्राणों की परवाह ना करके अपने कवच और कुंडल को दान में दे दिया। इसलिए कर्ण को क्या कहा गया, दानवीर कहा गया। तो दूसरा क्या होगा, दानवीर। तीसरा आता है दयावीर, क्या आता है, दयावीर, दयावीर वीर रस, दयावीर वीर रस। किसी भी पक्ष में दया दिखाना वो भी वीरता है, दया दिखाना भी वीरता है। उसके बाद धर्मवीर, धर्मवीर माने धर्म को आलंबन मानना, धर्म को सब कुछ मानना, अपने धर्म के प्रति सजग रहना, वीरता दिखाना, वो भी क्या है, धर्मवीर है, वही धर्मवीर है। धीयते इति धर्मः, अर्थात धर्म वो है जिसे धारण किया जाए और वीरता से उसका निर्वहन किया जाए, वही धर्मवीर होता है। प्रिय बच्चों, अग्रिम कक्षाओं में हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में निर्धारित करुण रस और हास्य रस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभ प्रभात।